गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीएड सेकंड ईयर के लिए मैं टीचिंग सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज की अधिगम संसाधनों की कुछ अंतिम बचे हुए जो अधिगम संसाधन है आप उनको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। उनको प्रारंभ करने से पहले एक पुनः वापस इतिहास शिक्षण में अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं और किस तरह से मतलब कौन कौन से हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त सा इस चार्ट के माध्यम से वापस रिपीट कर दें कि श्रव्य और दृश्य जो अधिगम संसाधनों में श्रव्य दृश्य संसाधन क्योंकि इन्हीं के कुछ पाठ बचे हैं हमारे पास में श्रव्य दृश्य संसाधन है। इनका उपयोग शिक्षण कार्य में करते हुए शिक्षण को प्रभावी और सुगम और बोधगम्य में बनाया जा सकता है। इसमें श्रव्य दृश्य संसाधन जिनमें कि दो प्रकार के होते हैं द्विआयामीय और त्रिआयामीय। द्विआयामीय यानी कि जो कि केवल लंबाई और चौड़ाई में नजर आते हैं उनका तीसरा या चौथा आयाम हमको दिखाई नहीं देता है। जिनको कि वो कौन कौन से हैं रेखा चित्रात्मक और चित्रात्मक। रेखा चित्रात्मक जिसमें आपने चार्ट मानचित्र रेखा चित्र आदि बहुत इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जिनके माध्यम से मानचित्र रेखाचित्र ग्राफ आदि के माध्यम से हम शिक्षण कार्य और समय रेखा वगैरह जो है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। त्रिआयामीय है इसके अंतर्गत प्रतिरूप अवशेष और प्रतिरूप दर्शांत प्रतिरूप यानी कि मॉडल जिनके हम बात करते हैं कि हमने जैसे कि किसी भी उसका मॉडल बनाया है जिसको कि हम तीन तरफ से उसको चारों तरफ से जिसको हम देख सकते हैं वो त्रिआयामीय है जिसमें मॉडल आ जाते हैं। अवशेष जो कि हमको वास्तविक रूप में प्राप्त होते हैं वो और प्रतिरूप दृष्टांत जो कि ऐसा प्रतिरूप को जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो चीजें। अच्छा फिर उपकरण इनके लिए कौन कौन से हैं जिनको कि हमें श्रव्य और दृश्य दोनों में पाता है। ग्राम श्रव्य के अंतर्गत जिसमें कि केवल सुन सकता है उसमें ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर रेडियो को हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। फिर दृश्य में एपिडाइज स्कोप है फिर बाद में फिल्म स्ट्रिप और फिल्म है और फिर बाद में टेलीविजन है। इनको हम सभी को हम देखते हैं। अब हमारा जो दृश्य और संसाधनों में जो बचा है उनमें हम आज हमको चार या पांच पॉइंट है हम उनको देखने वाले हैं। पहला है ब्लैक बोर्ड शामपट जिसको कि हम कहते हैं और ये एक कक्षा के में आवश्यक अति आवश्यक संसाधन है। एक शिक्षक के लिए शामपट जितना शिक्षक अपने एक शिक्षण कार्य को प्रभावी रोचक और सशक्त बनाने के लिए जितना ये शामपट उपयोगी है शायद उतने तत्काल शिक्षक को उपलब्ध नहीं होते हैं जितना कि ये सहजता से उपलब्ध होता है। शामपट की उपलब्धता पर बात करते हैं अगर हम तो शामपट जो है वो हर कक्षा में सहजता से उपलब्ध होता है और इसका उपयोग शिक्षक को बहुत सहजता से उसे करना आना चाहिए। कहाँ पर किस तरह से कैसे इसका शामपट का उपयोग करें एक क्योंकि एक शिक्षक अध्यापक है आप भविष्य में अध्यापक बनने वाले हैं तो आप ऐसे में आपको शामपट क्या है किस तरह का उसका उपयोग किया जाता है किस तरह से ये शिक्षण को प्रभावी बना सकता है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए उसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। क्योंकि यह हर कक्षा में उपलब्ध होता है तो इसका अभ्यास आपको बहुत अच्छे से करना होगा अच्छे से करना करके और इसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। फिर इसका आप उपयोग करेंगे कैसे क्योंकि यह हर जगह बहुत आसानी से उपलब्ध होता है तो इसका उपयोग कैसे करेंगे तो सबसे पहले जो इसकी उपयोगिता है या उपयोग करता है एक शिक्षक उसमें सबसे पहली बात आती है कि जितनी भी पाठ विवरण है पाठ विवरण जो है वो उसको शामपट पर सबसे पहले इंगित करना होता है जिसको हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड एंट्रेंस जिसको कि आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी होती है। डेट है टॉपिक है आपका जो पीरियड है सारांश कौन सा है वो ये सारी चीजें सबसे पहले आपको शामपट पर अंकित करनी होती है। उसके बाद में प्रस्तावना के बाद में जिसको कि हम कहते हैं कि उद्देश्य कथन के आधार पर प्रकरण को आपको शामपट पर अंकित करना होता है। उसके बाद में है पाठ का विकास यानी कि यहाँ पर शिक्षक जब पाठ का विकास करता है शिक्षण कार्य कक्षा में करता है तो उसे
स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वहाँ पर उसे यहाँ पर पाठ के विकास के समय आवश्यक जो है संकेत है, उसके बाद में कुछ विशिष्ट नाम हैं, विशिष्ट घटनाएं हैं, कार्य स्थितियाँ हैं आदि, मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो समय समय पर शाम पट पर लिखने की आवश्यकता होती है और उन्हें लिख कर, और क्योंकि यहाँ पर छात्र का ध्यान केंद्रित करने का ये सबसे सशक्त साधन है, क्योंकि आप कोई विशेष वो सहायक सामग्री चार्ट मॉडल बना के नहीं ले रहे हैं, तो शामपट एक वो साधन है जिसमें कि आप बालक के ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्काल कुछ भी उस पर कोई डेट आ गई, स्थिति आ गई तो आपने स्थिति को लिखा, आपने किसी विशिष्ट नाम को लिखने की आवश्यकता पड़ी तो आपने वो लिखा, किसी चित्र को बनाने की आवश्यकता पड़ी तो आपने उसको बनाया। यानी कि यहाँ पर एक अध्यापक की इतनी अभ्यास होना चाहिए कि मानचित्र है या किसी भी प्रकार का चित्र है वो शीघ्रता से और सही सही चामपट पर उसको बना सके, जिससे कि पाठ के विकास को प्रभावी और आकर्षक बनाया जा सकता है। उसके बाद में आता है कि चामपट का जो तीसरा की उपयोगिता है वो सारांश है, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ाया है आवश्यक नहीं है कि घर तक जाएगा बालक उसको पूरी चीज याद रहेगी, अर्थात सारांश का शामपट पर लिखा जाना जरूरी है जिसको कि छात्रों को लिखाया जाना आपके लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि जब आपने पूरा पाठ जो कुछ भी पढ़ाया है उसको एक बार समराइज करके सारांश में वापस रिपीट कर दिया जाता है तो वो चीज स्थाई याद हो जाती है, इसीलिए सारांश का यहाँ पर लिखा जाना अनिवार्य है। उसके बाद में आता है व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत कार्य के लिए बालक को शामपट का उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे कि कोई सवाल करवाया जा रहा है, कोई आपने कोई प्रश्न पूछा है उसको उसके संबंधित कोई चित्रात्मक उत्तर है या कोई उत्तर बालक लिखकर देना चाहता है उसको अवसर प्रदान किया जाए कि आप बालक को शामपट का उपयोग करने का उसे अवसर दें, जिससे कि वह उसका स्वयं भी उपयोग करना सीखे और कर सके। यानी कि बालकों के लिए ये एक रोचक स्थिति बनती है शामपट पर लिखना, क्योंकि बालक के लिए ये होता है कि शामपट को केवल एक अध्यापक उपयोग में लाता है, जब उसे भी उपयोग करने का अवसर मिलता है तो उसमें एक अजीब एक अलग सी जिज्ञासा होती है, एक अलग सा उत्साह उत्पन्न होता है जो कि शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आधार पर जो शामपट है वो शिक्षक के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे सशक्त साधन है। उसके बाद दूसरी बात है लपेट पलक रोल बोर्ड, जो कि एक अमूमन हम ट्रिपल टीचर्स जो हैं या छात्र अध्यापक हैं वो इसका उपयोग केवल अपने मूल्यांकन प्रश्नों को लिखकर ले जाने के लिए करते हैं। हाँ, इसका मूल उद्देश्य मूल्यांकन प्रश्न लिखने का भी है। उसके बाद में जैसे बहुत सारे चार्ट है, मॉडल जैसे मानचित्र बनाना है, समय रेखा बनानी है, युद्ध का जो ग्राफ आपको युद्ध रणनीति की जो संरचना है आपको वो बनानी है तो आप रोलर बोर्ड के ऊपर उसको बनाकर ले जा सकते हैं। बस यहाँ इस बात को अवश्य ध्यान रखना है कि रोलर बोर्ड के ऊपर जब आप लिख कर बनाकर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर आप क्योंकि शामपट पर आप सफेद चौक का ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने चित्र या कुछ बनाए हैं तो आप रंगीन चौक का उपयोग भी कर सकते हैं, शाम पट पर भी कर सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर कि किसी विशेष पॉइंट की तरफ आपको आकर्षण देना है या फिर कोई चित्र आपने बनाया है तभी आप रोलर उसमें रंगीन चौक का उपयोग कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते। लपेट पलक पे या रोल बोर्ड के ऊपर आप रंगीन चौक का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों जगह एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो इतना स्पष्ट सुपाठ्य हो कि कक्षा के अंतिम सिरे पर जो बैठा बालक है उसको भी वो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे, समझ में आए और वो आसानी से उसे पढ़। उसके बाद में है प्रदर्शन पटल यानी बोर्ड, जो कि एक तरह से कहते हैं कि खादी के या मखमल के कपड़ों का बनाया गया होता है, जिसमें कि बालक के द्वारा बनाया गया कुछ चार्ट है, अध्यापक के द्वारा प्रदर्शित करने वाला कुछ चार्ट है, मॉडल है,
जिसको कि हम कहते हैं कि आप ट्रिपल टीचर जब क्लास में टीचिंग के लिए जाते हैं तो आपको हर जगह सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम हमारा जो सहायक सामग्री के दृष्टिकोण से हम चार्ट बना के लेते हैं उसको चाहते हैं, तो वो चीज पैनल बोर्ड के ऊपर प्रदर्शित आसानी से की जा सकती है। उसको जब प्रदर्शन करना है तब लगाया जा सकता है और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाए तब उसको वापस आसानी से हटाया जा सकता है। इसके ऊपर आप चित्र चार्ट मॉडल है, कोई विशेष प्रकार का मॉडल नहीं सॉरी चित्र चार्ट है, या ये कहा जाए कि कोई विशेष प्रकार की सूचनाएं अगर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है उनको है, किसी प्रकार का समाचार है वो है, इनका प्रदर्शन करने के लिए प्लानिंग का उपयोग किया जाता है। कक्षा के लिए भी किसी प्रकार के कुछ विशिष्ट स्थायी निर्देश हैं उनको भी आप प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। जब आवश्यकता है तब तक उनको वहाँ पे लगे रहने दो और फिर बातों से आसानी से आप हटा सकते हो। चित्र यानी कि बहुत सारे जो चित्र होते हैं जैसे आपके जो महाराजा राजा महाराजाओं के चित्र हैं, जो बने हुए चित्र हैं उनका उपयोग यहाँ पर दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जब भी इन चीजों का उपयोग किया जाता है तो इनका प्रदर्शन इस तरह से हो कि कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठने वाले बालक को भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। शामपट के लिए विशेष बात ये रहती है कि इसके ऊपर पीछे से किसी भी प्रकार का जो कहना चाहिए कि इस तरह से लगा हुआ होना चाहिए, कुछ भी हो चाहे चार्ट है चाहे मॉडल है चाहे फ्लैनल बोर्ड है चाहे लपेट फलक है, इनका प्रदर्शन इस तरह से होना चाहिए कि बाहर से आने वाले प्रकाश के वजह से बालकों को देखने में अवरोध उत्पन्न हो, ऐसी पोजीशन पे शामपट और इनको नहीं लगाना चाहिए। ये इस तरह से प्रदर्शित किए जाने चाहिए जिससे कि कक्षा के अंतिम बेंच तक और हर कक्षा के हर बेंच पे बैठे बालक को स्पष्ट रूप से नजर आए, इस तरह के ये होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर अब एक और चीज रह गई है त्रिआयामी के अंतर्गत, वो है कठपुतली। कठपुतली यानी कि कठपुतली भी एक पात्र अभिनय विधि जिसको हम कहते हैं उसी का एक भाग है, जिसको कि आसानी से जिस भी पात्र के रूप में आपने जैसे कोई कहानी या कुछ घटना को लिया है तो हाथों में पहनकर या डोरी के माध्यम से उसको नचाते हुए हम एक अभिनय विधि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कि कई बार होता है कि छात्र सबके बीच में एकदम से आकर एक्टिंग करने में थोड़ा सा घबराहट का अनुभव करता है, तो ये कठपुतली एक ऐसा माध्यम है जिसको कि स्वयं जो पात्र है वो पर्दे के पीछे होकर सब कुछ बोलता है और उस पात्र के स्थान पर सबके सामने एक कठपुतली को प्रदर्शित करता है। अब ये कठपुतली दो तरह की होती है, एक तो डोरी से बंधी हुई होती है, एक हाथों में पहनाकर और उसको नचाया जा सकता है। और यहाँ पर किसी भी ऐतिहासिक घटना या किसी के भी से संबंधित एक कहानी या एक नाटक का जो है रूप प्रदान करके और यहाँ पर उन प्रस्तुतियों के माध्यम से वो अभिनय कराया जाता है। ये भी एक रोचक विधि है जिसमें कि बालक बहुत रुचि से भाग लेते हैं और उन्हें बहुत उसमें आनंद आता है क्योंकि ये एक तमाशा है, तो तमाशा देखना कहानी सुनना या फिल्में देखना बालकों की रुचि होती है, तो ये कठपुतली उसका एक बहुत बड़ा सशक्त साधन है जो कि शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आपके अधिगम संसाधन से संबंधित समस्त संसाधन जितने हैं आज पूर्ण होते हैं। आपको किसी के आधार पर एक प्रश्न को हल करना है कि इतिहास शिक्षण के अधिगम संसाधनों वर्गीकृत सारणी के द्वारा स्पष्ट करते हुए शामपट लपेट पलक पैनल बोर्ड और चित्र कठपुतली की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।